असलम मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एम तकरीबन रात के डेढ़ बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल जो है पिद्दा अम्बरपेट जो रामोजी फ़िल्म सिटी के बाजुक में जो बस्ती आती हैदराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हूँ मैं मुझे आज एक टेलीफोन आया था कि पद्दामबर पेट की एक लड़की शेख परवीन जो पंद्रह साल तीन महीने हैं और तकरीबन जो है बारह सितंबर 2023 से लापता है यानी तकरीबन एक महीना होने को आ रहा कि लड़की लापता है और ये मेरे साथ में जो है उनकी वालदा शाहिदा बेगम इनकी वालदा है और इनके वालिद मोहम्मद हनीफ़ लड़की के नाना हैं और मेरे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे जहीर जहीरुद्दीन जहीर इकबाल जहीर साहब जिनका ताल्लुक नरसापुर से है तो आ, और जनाब अफानल्लाखन खान साहब भी हैं तो तकरीबन अब रात के डेढ़ बज रहे हैं जैसा ही मुझे इतला मिली और ये मजीद तफ़ीलत मालूम करने पर यह पता चला कि लड़की जो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालब इल्म थी और ये लोगों को श्रीकांत यादव कोई बावीस साल उम्र का लड़का है उसके ऊपर शक है और ये कोड़ंगल का रहने वाला यहीं पैदा पैदा अंबर में किराए से रह रहा था यहाँ पर तो ये लड़के के लड़का लेकर गया बोल कर, बच्ची माइनर है अगर बच्ची अपनी खुदी से भी गई है तो ये माइनर है लड़की क्योंकि मेरे पास ये लड़की का एसएससी का मेमो है जिसमें पंद्रह महीने तीन पंद्रह साल तीन महीने उम्र आ रही है लेकिन हैरत की बात यह है कि हयात नगर पुलिस स्टेशन में बारह नौ बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस को इनकी वालदा की तरफ से एक कंप्लेंट दिया गया हयात नगर पुलिस स्टेशन जो आ, डी सी पी एल वी नगर को आता है और ए सी पी वनस्थलीपुरम राचा कमिश्नरेट में आता है जिसमें मिसिंग थ्री सिक्सटी थ्री आई पी सी लगाया गया है और आज की तारीख़ तक हम बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमारी तेलंगाना पुलिस जो है स्काटलैंड पुलिस है अमेरिका की पुलिस से बहुत तेज़ है जर्मनी की पुलिस से बहुत तेज़ है लेकिन यहाँ हकीकत देखिए आप कि एक मासूम लड़की लापता है और इनके वालदेन बाज़ाफ्ता शक कर रहे हैं कि फ़लाना हमारी लड़की को किडनैप करके लेकर गया है और उसके ऊपर हयात नगर पुलिस आज की तारीख़ तक कोई एक्शन नहीं ले रही है बड़े शर्म की बात है हयात नगर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप रिज़ाइन कर देना चाहिए आप और यहाँ पर जो डीसीपी मैडम है एक लेडी ऑफिसर है आ, बहुत कंप्लेंट्स हैं उनके एरिया है की इतने कंप्लेंट्स आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो सरू नगर में एक सरदार जी सरू नगर में एक लड़के को जो ले जाकर जिंदा काट दिए उसको वो केस में भी उन पी है फिर एक लेडी जो रात में जा रही थी तो उसको ले जाकर सरवनगर पुलिस स्टेशन में हमारे इनके ही जू में आता वो तो पता नहीं कि कैसे लेडी ऑफिसर है वो आ, उनके एरिया में इतने क्राइम हो रहे हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं मैं हमारे राचाकोंडा कमिश्नर जनाब डी एस चौहान साहब से गुजारिश करूँगा और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस से मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालें वरना ये पूरे अफराद ख़ानदान के साथ मुझे जो है हयात नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स पर मुझे धरना देना पड़ेगा लड़की की वालदा है मेरे साथ में के शाह बेगम क्या एक्चुअली क्या हुआ माँ आपकी बेटी कब से लापता है क्या है इतना पूरा डिटेल बोलिए गए महीना बारह तारीख से नहीं जी ग्यारह ग्यारह दस ग्यारह दस को घर में से गई कॉलेज जारी बोल कॉलेज जारी बोल के अभी तक तो ना पता आप कितने मरतबा पुलिस स्टेशन गए आप लोग एज एक महीने से फिर रहे एक महीने से हाँ, उनके अब्बा तो उनके अब्बा तो एक महीने से फिरते फिरतेम हाँ। हो रहा काम हो रहा बोल रहे कि कुछ भी नहीं कर रहे काम अभी तो भी क्या पता नहीं मिला उनके पास तो बच्चे के पास तो फोन आना नहीं तो लड़की के पास को तो फोन करना हाँ। दोनों में कौन तो एक करे तो हमें पकड़ते नहीं तो नहीं होता ओके बोल रहे आप वो लोग कितने साल कितने दिन से पुलिस स्टेशन फिर रहे हैं आप लोग एक महीने से फिर रहे एक महीने से पुलिस स्टेशन को फिर रहे आप मैं जवाब भी दिया हूँ और उसको माँ को बाप को और उसको अंदर दलाओ अंदर दला के नहीं बोले तो दो तीन रोज़ बिठा दे बोल के भी मैं बोल दिया हूँ बोले तो वो जवाब को अब ऐसा नहीं हो सकता बोल के वो रूल्स नहीं है बोल के हमारे पास जवाब दिए हूँ मैं बोला हूँ कि नहीं ये दबो ऐसा नहीं होता है खाली फोन के ऊपर वो नंबर गया ये नंबर गया अगर तो नहीं होता हो पहले अंदर डालने का है उनका अंदर दला कर शिक्षा देने का है बोल के माँ को बाप को उनके ख़ानदान को लेकर लेकर के डालो बोल के बोला हूँ भाई नहीं देखिए आप अगर फ़र्ज करिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम नाबालिग लड़की माइनर लड़की के साथ अगर कोई एक मुस्लिम लड़का अगर लेकर फरार होता तो उसके पूरे घर को ताला डाल देते हो, उसके ख़ानदान को ला मारती पुलिस तो ये हयात नगर इंस्पेक्टर पता नहीं क्या ये इनको क्या हो गया है अरे लड़की किसी की भी लड़की है चाहे वो हिंदू की रहो चाहे वो मुस्लिम की रहो लड़की की, माइनर लड़की है वो उसको कोई समझ नहीं है उसको तो इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए ये रचाकोंडा कमिश्नर डी एस चौहान साहब बेहतरीन ऑफिसर है एक जानतदार ऑफिसर है मेरी उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस लड़की को 24 घंटे के अंदर ढूंढ कर निकालिए कल का, का आज कुछ ही देर में फ़जर की अज़ा होगी और जुमा नमाज होगा अगर 24 घंटे में इस लड़की को ढूंढ कर नहीं निकालेंगे तो फिर अमजुल्ला खां मजबूर होंगे डीसीपी ऑफिस नहीं तो कमिश्नर ऑफिस पर हम जाकर धरना देंगे शुक्रिया यार जिंदा सौबत बा